हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल एट वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन सो चल रही है क्लास युवराज बैच की एंड गाइज uh, हमारा जो टेंस की क्लासेस चल रही हैं टेंस में आज हम पार्ट नंबर टेन मतलब कि लेक्चर नंबर टेन लेकर के आए हैं एंड टूडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म हेयर द टेंस टेस्ट नंबर टू सो लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड प्रजेंट इन डेफिनेट टेंस ओके एंड वी हैव सीन ऑल द केसेस लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव देखा हमने अफर्मेटिव देखा हमने इंट्रोगेटिव देखा एंड दिस इज द टर्न टू डील विद प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस गाइज तो लेट्स स्टार्ट प्रजेंट कंटिन्यूअस के एक्सरसाइज कह लीजिए या टेस्ट कह लीजिए इसको हम लेकर के आपके सामने हैं प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस आज स्टार्ट होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर ओके गाइज तो स्टार्ट करते हैं चलिए फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ ओके ये मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ देखिए वैसे तो हमको करना था क्या आ, हमें करना था कंटिन्यूस बट यहाँ पे पहला क्वेश्चन चुका हूँ मतलब परफेक्ट का हो चुका है किसका हो चुका है परफेक्ट का तो थोड़ी सी यहाँ पर वर्कशीट में प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर अभी इसके पहले हमने ख़त्म किया था देखिए यस हमने इनडेफिनेट खत्म किया था और अब हमें यहाँ पे कंटिन्यूस शुरू करना है तो थोड़ी वर्कशीट आजू बाजू होगी तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अभी हम इसको कंटिन्यूअस पे शिफ्ट करेंगे ओके गाइस सो अब ये कंटिन्यूअस टेंसेस हमारे पास आ चुके हैं तो कंटिन्यूस टेंस में एक्सरसाइज 11 से हमें को स्टार्ट करनी है ओके okay? तो जो हमारे पास एक्सरसाइज वन से लेके कर फाइव थी वो प्रेजेंट की थी ओके प्रेजेंट इन की फिर उसके बाद फाइव से लेके कर टेन तक जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट की है किसकी प्रेजेंट परफेक्ट की अब एलेवन से लेकर के एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन जो है ये आपकी की तो चलिए स्टार्ट करते हैं की पहला क्वेश्चन है कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसे कमा रही हैं बताइए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसे कमा रही है ओके okay, चलिए देखते हैं इसका क्या है करेक्ट आंसर सो कार इंश्योरेंस कंपनीज़ आर मिनटिंग मिनिटिंग मनी या अर्निंग मनी भी चल जाएगा ओके okay? कम पैसे कमाना है क्या? आप कॉपी में लिख लीजिए नया सेंटेंस आपके लिए देखिए मिनिटिंग ओके एम आई एम आई एन टी आई एन जी मिंटिंग मनी ओके मिंटिंग मनी तो कंपनीज के लिए पैसे कमाने के लिए मिटिंग लगता है कंपनीज़ के लिए अगर कोई पर्टिकुलरली इंसान होता तो उसके लिए अर्निंग लगता बट यहाँ पर कार की बात है तो एक नया सेंटेंस आपको सीखने को मिला बच्चों कार के लिए क्या लगेगा मिंटिंग मनी लगेगा ओके सो करेक्ट आंसर इज मिंटिंग मनी चलिए सो कार इंश्योरेंस कंपनियाँ पैसे कमा रही है क्या बन गया कार इंश्योरेंस कंपनीज़ आर मिन्टिंग मिंटिंग मनी ओके कार इंश्योरेंस कंपनीज आर मिंटिंग मनी ओके गाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लड़कियाँ कक्षा में गीत गा रही हैं बताइए ओके okay गाइस कुछ लड़कियाँ क्लास में कक्षा में गीत गा रही है। see, गा okay, हैं लेट सी क्या होगा इसका ओके देखिए कुछ लड़कियाँ के लिए सम गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द क्लास बिल्कुल सही सम गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द क्लास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कल मैंने बताया था कि इलेक्शन लड़ना कोई फाइट नहीं होती है है ना तो मैंने वहां पे बताया था कि इलेक्शन के लिए फाइट यूज नहीं होता है यहाँ पे यस yes. सो so, बताइए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ इसका क्या बनेगा इंग्लिश मीनिंग बताइए जल्दी से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन बिल्कुल सही आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शन ओके चलिए नेक्स्ट है आप सब लोग आपको देख रहे हैं ओके okay, सब लोग आपको देख रहे हैं बताइए सब लोग आपको देख रहे हैं का क्या होगा तो देखिए क्या होगा सब लोग आपको देख रहे हैं का इंग्लिश बनेगा ऑल द पीपल ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू बिल्कुल सही ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू ओके ऑल द पीपल जब भी आप लगाते हैं पीपल तो ऑल द पीपल सभी लोग के लिए ऑल द पीपल यूज होता है ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू ठीक है ना चलिए नेक्स्ट देखिए अगला अगला है अपने पास में कार पर कार आ रही है कार पर कार मतलब जैसे आप रास्ते में खड़े हैं और एक के बाद दूसरी कार आ रही है तो आप बोलेंगे कार पर कार आ रही है बताइए क्या बोलेंगे इसको देखिए बच्चों कार पर कार आ रही है मतलब कार एक कार के बाद दूसरी कार आ रही है तो इसमें क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में देखिए कार आफ्टर कार इज कमिंग कार आफ्टर कार इज कमिंग ठीक ना देखिए कार मतलब एक कार के बाद दूसरी कार तो वर्ब क्या सिंगुलर है तो इज आएगा एंड आ रही है तो क्या बोलेंगे ज कमिंग लिखिए अपनी अपनी कॉपी में कार आफ्टर कार इज कमिंग बढ़िया सेंटेंस है नया सेंटेंस है तो मैं भी लिख रहा हूं और आप भी लिखिए कार आफ्टर कार इज कमिंग कार आफ्टर कार इज कमिंग चलिए अगला बताइए प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कल मैंने बताया था प्रधानमंत्री भाषण देने को गिव नहीं बोलते हैं जहां पे भाषण देना होता है वहां डिलीवर बोलते हैं क्या बोलते हैं डिलीवर ओके डिलीवर okay, स्पीच तो बताया था मैंने चलिए बताइए प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे का क्या बनेगा यस देखिए द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग द स्पीच ओके प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग द स्पीच एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर जी का भाषण इसलिए बहुत विशेष हो गया इसलिए यहाँ पे द लगाया गया स्पीच के सामने द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग द स्पीच ओके उनके विशेष काम के लिए यहाँ पर दा लगाया गया या डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग स्पीच वो भी चलेगा दा ना लगाएंगे तो भी सही होगा और लगा देंगे तो भी सही होगा द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग स्पीच ओके गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है गली में कुत्ते भोंक रहे हैं ओके okay, गली में कुत्ते भोंक रहे हैं बताइए क्या होगा गली में कुत्ते भोंक रहे हैं क्या होगा देखिए द डॉक्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट ओके द डॉक्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट ठीक है तो बिल्कुल या तो आप डॉक्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट भी कर सकते हैं दा लगाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है ओके okay, तो द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए कि यहाँ मतलब दाही क्यों लगा दिया गया है तो कुछ ऐसा समझो कि जैसे मान के चलो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई सारे जानवर हैं बट पर्टिकुलरली यहाँ पे डॉग्स की बात की गई है जैसे स्ट्रीट में तो बहुत सारे जानवर होते हैं बट पर्टिकुलरली किसकी बात की गई है डॉग्स की तो इसलिए यहाँ पे द डॉग्स लगा दिया गया और ना भी लगाओ तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है चलिए अगला देखते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है बताइए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है क्या होगा इसका ओके जैसे यहां पे कहा युवराज ने अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन ठीक है देखते हैं कि सही है कि गलत है अर्थ इज रोटेटिंग तो सबसे पहले पृथ्वी एक यूनिकली बॉडी है एक इकलौती बॉडी है तो द लगेगा ओके द अर्थ इज अब घूमने को रोटेटिंग कहा है हालांकि रोटेटिंग तो कहते हैं मगर यहाँ पर अगर किसी के साथ में पर्टिकुलरली आप किसी के ऑर्बिट में घूम रहे हो तो वहाँ पर रोटेटिंग ना यूज होकर रिवॉल्विंग यूज़ होता है ओके तो देखते हैं इसका क्या होगा देखिए तो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन रोटेटिंग वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे नहीं जमेगा मूविंग का मतलब हो गया चलना मैं बेटर बताऊँगा आपको कि आप यहाँ पर यूज़ करो रिवॉल्विंग क्या यूज़ होगा रिवॉल्विंग रेवोल्यूशन या बोलते हैं रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग का मतलब होता है किसी को सेंटर में रख करके उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाना दैट इज कॉल्ड रिवॉल्विंग अब आप कहोगे रोटेटिंग का फर्क क्या होता है तो रोटेटिंग का मतलब होता है कोई बंदा खड़ा हो जाए और खुद के रिस्पेक्ट में घूमे जैसे आप खड़े खड़े हो जाओ और खुद ही घूमते जाओ तो वो हाँ, अपने अपने ऑर्बिट पे घूमो तो वो कहलाता है रोटेटिंग बट यदि आप किसी के रिस्पेक्ट में चक्कर काटो तो वो कहलाता है क्या रिवॉल्विंग तो यहाँ पर बात किसके लिए हो रही है सन के रिस्पेक्ट में अराउंड द सन तो सन के लिए क्या लगेगा रिवॉल्विंग लगे क्या लगेगा रिवॉल्विंग ओके सन जो होती है कितने समय में रिवॉल्व करती है बच्चों याद होकर आपको पता होगा थ्री सिक्सटी फाइव डेज में ओके सन का जो एक साल होता है रेवोल्यूशन जो होता है सॉरी अर्थ का अर्थकार किसके रिस्पेक्ट में सन के रिस्पेक्ट में 365 डेज का हुआ करता है चलिए अगला देखते हैं अगला टॉपिक क्या है माली पौधों को पानी दे रहा है चलिए बताइए माली पौधों को पानी दे रहा है ओके माली पौधों को पानी दे रहा है क्या होगा इसका बोलिए ओके okay, माली पौधों को पानी दे रहा है कब बताया युवराज ने गार्डनर इज गिविंग वाटर टू द प्लांट्स देखते हैं द गार्डनर गार्डनर इज वॉटरिंग द प्लांट लिख लीजिए पौधों को पानी देने को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली वाटरिंग द प्लांट पौधों को पानी देने को गिविंग द वाटर नहीं बोलते हैं सीधे पौधे के पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग जब भी आप वाटरिंग लगाएंगे ना इसका मतलब आप पानी दे रहे हैं ओके okay?

चिल, चिल्ड्रन आर क्वारलिंग चिल्ड्रन आर क्वारलिंग विद अदर तो आपने कहा चिल्ड्रर सॉरी चिल्ड्रन नहीं होता चिल्ड्रन आर क्वॉरलिंग विद अदर लेट सी द चिल्ड्रन आर क्वारलिंग विद ईच अदर आपस में को बोलते हैं ईच अदर क्या बोलते हैं अदर अदर yes. बोलोगे तो चिल्ड्रन आर क्वारलिंग विद ईच अदर चिल्ड्रन आर क्वारलिंग विद ईच अदर राइट सो द चिल्ड्रन आर क्वारलिंग क्वारलिंग मीन झगड़ना क्वारलिंग मीनस झगड़ना विद ईच अदर लेट सी द नेक्स्ट ओके बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं हो गया ये सो दिस इज डन फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड दिस इज नेगेटिव ओके सो वॉट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव ओके यस पहले अफर्मेटिव किया अब हम नेगेटिव कर रहे हैं ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं बताइए ये, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं का क्या होगा ओके दीज बॉयज़ आर नॉट गोइंग टू स्कूल या गोइंग टू द स्कूल दोनों एक चीज है लेट सी द आंसर दीज बॉयज दीज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल एग्जैक्टली बिल्कुल सही दीज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल यस मूविंग टू द नेक्स्ट हम यहाँ फिल्म नहीं देख रहे हैं हम यहाँ यहाँ हम सॉरी यहाँ हम फिल्म नहीं देख रहे हैं तो यहाँ का लिए क्या होता है हियर क्या होता है हियर तो एकदम लास्ट में आ जाएगा बताइए क्या होगा हम यहाँ हम फिल्म नहीं देख रहे हैं वी आर ओके फिल्म को मूवी बोल सकते हैं वी आर नॉट वॉचिंग मूवी हियर वी आर नॉट वॉचिंग फिल्म हेयर लेट सी द आंसर। वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हेयर बिल्कुल सही है वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हेयर वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हियर नेक्स्ट हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ रहा है बोलिए द एरोप्लेन ओके लेट सी द आंसर द एयरोप्लेन इज नॉट फ्लाइंग इन द हवा में बोला है आसमान में नहीं बोला है देखिए हवा में बोला है सो so, हवा को बोलते हैं एयर क्या बोलते हैं एयर सो द एरोप्लेन इज नॉट फ्लाइंग इन द एयर वेरी सिंपल द एरोप्लेन एयरप्लेन इज नॉट फ्लाइंग इन द एयर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री जी विदेश नहीं जा रहे हैं विदेश को क्या बोलते हैं फॉरेन क्या बोलते हैं फॉरेन प्रधानमंत्री जी विदेश नहीं जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री विशेष पद है नाम क्या क्या लगेगा द प्राइम मिनिस्टर बोलिए क्या होगा इसका भी कहते विदेश. हाँ विदेश को एब्रॉड भी कहते हैं फॉरेन भी बोलते हैं वेरी गुड अब्रॉड भी लगेगा यहाँ पे बताइए द प्राइम मिनिस्टर हाँ ओके okay, देखते हैं लेट्स सी क्या होगा इसका द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग अब्रॉड गोइंग अब्रॉड अब याद रखिएगा कि जब भी आप अब्रॉड लगाते हैं तो आपको गोइंग के बाद अब्रॉड में टू नहीं लगता है ओके okay? जब आपको पता हो कि गोइंग टू दिल्ली जगह का नाम पता हो तब आपको टू लगाना है ओके okay? बट बाहर जाते हैं विदेश जाते हैं बट किसी जगह का नाम पता नहीं कि विदेश में कहाँ जाते हैं तो आपको क्या लगेगा द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग अब्रॉड ओके द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग अब्रॉड ठीक ना यस ठीक है ना या द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू फॉरन द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू फॉरन ओके बट अब्रॉड के साथ आपको टू नहीं लगाना है बताइए हाँ फॉरन के साथ लगाएंगे हाँ, मगर अब्रॉड के साथ टू लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए ए बी आर ओ ए डी अब्रॉड के साथ टू नहीं लगेगा ओके हाँ गोइंग टू फॉरन हाँ गोइंग टू फॉरेन लग जाएगा तब सही है चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है सोनिया गांधी संसद में नहीं बोल रही तो संसद एक नया वर्ड है भारत की संसद जहां पर इंडिया का कानून बनता है जहां पर लॉज बनते हैं इंडिया के संसद को हम बोलते हैं पार्लियामेंट क्या बोलते हैं पार्लियामेंट।, पार्लियामेंट तो बताइए इंदिरा सोनिया गांधी संसद में नहीं बोल रही है बताइए क्या होगा इसका नॉट बोलना स्पीकिंग हाँ पार्लियामेंट सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट आपने कहा सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन यहाँ पे पार्लियामेंट के आगे द जरूर लगाइए बिकॉज पार्लियामेंट हमारी जो है एक बहुत ही आ, अच्छी बिल्डिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है इसलिए वहां पर क्या लगेगा द पार्लियामेंट क्या बोलेंगे द पार्लिया सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट यस चलिए अगले देखिए वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है सो सिंपल क्वेश्चन वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है अब देखिए शी है तो हिस्स तो आएगा नहीं हर आएगा her, her. है ना लेट सी शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क बिल्कुल सही एक बार में ही सही बोला आपने शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन अब वह डांस नहीं कर रही है अब वह डांस नहीं कर रही है शी Dancing. Now नाव शी इज not not dancing. You are saying now she is not dancing. Exactly correct. Now she is not dancing. ठीक ना पहले लग रहा था बच्चों को doing dance ऐसा नहीं होता है Dance करना को dancing ही बोलते हैं जैसे खाना पकाने को cooking okay. बोलते हैं ओके okay? यस yes. इस घर में कोई नहीं आ रहा अब इस घर में कोई नहीं आ रहा अब इस घर में कोई नहीं आ रहा now nobody is coming. Nobody is coming. नाव नो बडी इज कमिंग इन दिस होम नाव नो वन कह लो या नो बडी कह लो इन कमिंग इन टू दिस होम घर के अंदर आना जब बाहर से कोई अंदर आता है बेटा तो इस्तेमाल क्या होता है इंटू का किसका इस्तेमाल होता है इंटू का जब चल करके कोई बाहर से चल के अंदर आता है तो मतलब तो है ना देखिए का मतलब जो होता है एक्चुअली इंटू इंटू का मतलब होता है एक तरीके से एंट्री होना समझ गया ना हाँ जैसे मैं कहूंगा देखिए समझने में फर्क है थोड़ा सा इंग्लिश में जैसे मैं कहूंगा कि गिलास के अंदर पानी डालो ओके तो आप क्या बोलेंगे पोर दिस वाटर इंटू दिस ग्लास okay. क्योंकि आप पानी को ऊपर से अंदर इंसर्ट करा रहे हो तो जो चीज बाहर से ऑलरेडी चल के आ रही है मूव हो रहा है जहां पे मूवमेंट हो रही है वहां पे इनटू लगता है क्या होता है इनटू जहां पे कोई चीज चल के आ रही है तो देखिए यहां पे नो वन इज कमिंग इनटू तो कोई बाहर से आएगा ना तो चल के ही तो आएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा इन टू लगेगा यही दोस्तों प्रपोजिशन का कमाल है प्रपोजिशन हम सोचते हैं कि सरल चीजें बट ऐसा नहीं है बहुत ही मेहनत के बाद आता है तो नो वन इज कमिंग इन टू दिस होम मतलब चल के आने की बात है हाँ अगर कोई ऑलरेडी है पहले से यदि कोई बैठा हुआ है तो डोंट वरी तब आप वहाँ पर इन लगाइए क्या लगाएंगे आप इन जब कोई पहले से है ओके बट यदि कोई चल के बाहर से आ रहा है ना तो आपको क्या लगाना पड़ेगा इन टू सो नो वन इज कमिंग इन टू दिस होम चलिए नेक्स्ट देखते हैं उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग फूड वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग फूड वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग द फूड बिल्कुल सही है ओके वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग द फूड ओके सोनार अंगूठी नहीं बना रहा है सोनार अंगूठी नहीं बना रहा है ओके सून यस हम्म हाँ मेकिंग प्रिपेयरिंग नहीं लगेगा ओके ओके द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग आ रिंग बिल्कुल सही बात है द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग अ रिंग वेरी गुड बहुत अच्छा यहाँ पे जवाब दिया द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग अ रिंग देखिए बच्चों ने पूछा कि यहाँ पे प्रिपेयरिंग क्यों नहीं आएगा देखिए जहाँ पर आप प्रिपेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तैयार करना और तैयार करने का मतलब ऐसा होता है प्रिपेयर प्रिपेयर का मतलब होता है किसी लेसन को प्रिपेयर करना जिसमें आपका एफर्ट ना लगा हो प्रिपेयर करना मतलब किसी योजना को बनाना वहाँ पे प्रिपेयर आता है अब गोल्ड स्मिथ अगर अंगूठी बनाएगा तो हथौड़ा चलाएगा कुछ ना कुछ तो चलाएगा ना तो वहाँ पर क्या लगेगा मेकिंग लगेगा क्या लगेगा मेकिंग, मेकिंग लगेगा वहाँ पे प्रिपेयर नहीं करेगा बट यहीं पर आता कि युवराज अपना लेसन तैयार कर रहा है एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर होता प्रिपेयरिंग क्योंकि वहाँ पर आपको योजना बनानी है तो योजना के लिए प्लान के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है प्लान मेक नहीं होता प्लान प्रिपेयर होता है ओके यस चलिए तो ये हो चुका है हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं अगली वर्कशीट पे ए, थर्टी नंबर वर्कशीट है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसमें आ चुके हैं चलिए क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है बताइए क्या होगा इसका चलिए क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है देखिए आपने डस से शुरुआत कर दिया मतलब बिल्कुल आपकी तैयारी खराब है देखिए इंट्रोगेटिव है और साथ ही साथ में क्या है ये कंटिन्यूस है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आपको पता होगा इज से स्टार्ट होगा किससे होगा is. इज से बताइए क्या होगा इज ही इज ही प्लेइंग क्रिकेट टूडे ओके तो, तो देखिए यहाँ भी यहाँ पे इज ही प्लेइंग भी का तो कोई आपने सेंस आया ही नहीं है है ना आज भी का तो कोई सेंस आया ही नहीं है भी आपने तो सीधे वह क्या वह आज क्रिकेट खेल रहा है इसका बता दिया भी का सेंस नहीं आया है है ना भी तो भी कैसे लगेगा ओके तो भी के लिए मैं आपको बता दूं भी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्टिल क्या यूज़ करते हैं स्टिल ओके स्टिल टुडे तो देखते हैं इसका क्या होगा है ना इसका होगा यस देखिए स्टिल टुडे या इवन टुडे इज ही प्लेइंग क्रिकेट इवन टुडे अरे भाई आज भी वो क्रिकेट खेल रहा है आज छुट्टी का दिन है आज होली का दिन है और वो आज भी क्रिकेट खेल रहा है तो आप पूछेंगे इज ही प्लेइंग क्रिकेट इवन टूडे ओ माई गॉड इवन इ आज के दिन भी क्रिकेट खेल रहा है जिस दिन हर कोई रंग खेलता भाई साहब वो क्रिकेट खेल रहा है इज ही प्लेइंग क्रिकेट इवन टूडे कल परीक्षा होने वाली है और युवराज आज भी क्रिकेट खेल रहा है दो घंटे के बाद एग्जाम है और वो क्रिकेट खेल रहा है इज ही प्लेइंग क्रिकेट इवन टूडे यस सो so, क्या आ गया इज ही प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट इवन टूडे यस तो इवन टूडे आएगा या स्टिल टूडे दोनों ही चल जाएंगे ओके यस इवन टूडे और स्टिल टूडे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो सो so सिंपल क्या तुम अब दिल्ली जा रहे हो आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ आएगा नाउ बाद में लाइए भाई पहले मत लाइए आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ क्या अब तुम दिल्ली जा रहे हो ओके okay? क्या अब तुम दिल्ली जा रहे हो आर यू गोइंग टू दिल्ली नाउ चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है क्या ये सब लोग फिल्म देख रहे हैं क्या ये सब लोग ये ये लगा है दीज ओके okay? है ना सब लोग सब लोग ओके okay? तो फिल्म देख रहे हैं बताइए क्या होगा फिल्म ओके फिल्म आर बिल्कुल सही आर दीज ऑल पीपल सब लोग सब लोग है ना? और बिल्कुल सही आर दीज ऑल पीपल वॉचिंग द फिल्म आर दीज ऑल पीपल वॉचिंग द फिल्म चलिए बताइए क्या तुम ताजमहल देखने जा रहे हो सो सिंपल आर यू बिल्कुल सही आर यू गोइंग टू सी ताजमहल देखिए आर यू गोइंग टू सी ताजमहल अब देखिए यहाँ पे सी लगा हुआ है यहाँ पे लुक नहीं आएगा लुक जो होता है ना लुक का मतलब होता है जैसे एक तो होता है सी एक तो स्टेयर स्टेयर मतलब घूर करके देखना आ, सी जो होता है एक्चुअली वो ब्रॉड वे में देखने से होता है बड़े तरीके से और जब आप किसी एक्सप्लोर टाइप में हाँ है ना तो वहाँ पर सी का यूज होता है लुक का मतलब किसी मैटर को घुस करके देखना किसी मैटर के अंदर जाना है ना खूबसूरती का मजा नहीं लेना लुक जहाँ पे होता वहाँ पर खूबसूरती का मज़ा नहीं लिया जाता वहाँ पर क्या होता है ताका जा अंदर जा कर के मैटर की जांच पड़ताल करना वहाँ पे होता है लुक मगर अब आप किसी की चीज़ को बाहर से बाहर से एक्सप्लोर कर रहे हो उसकी ब्यूटी देख रहे हो तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा सी क्या यूज़ होगा सी।, सी।, सी समझ गए ना सो आर यू गोइंग टू सी द ताजमहल क्वेश्चन मार्क ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या गांव में बरसात हो रही है क्या गांव में बरसात हो रही है बरसात हम्म इज इट्स क्यों लगा दिया आपने इट्स मतलब इट इज आ गया फिर से मतलब इज दो बार आ गया yes. है ना तो इज आएगा फिर इट आएगा इज इज इट रेनिंग इन द विलेज वेरी गुड इज इट रेनिंग इन द विलेज इज एक बार आ गया फिर इट आ गया ओके इज इट रेनिंग इन द विलेज बिल्कुल सही इज इट रेनिंग इन द विलेज चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या ये बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं क्या ये बच्चे खाने का इंतजार आ, कर आ, रहे हैं हाँ यस सो आर दीज चिल्ड्रन वेटिंग फॉर द फूड आर दीस चिल्ड्रन वेटिंग फॉर द फूड ओके फॉर द फूड लगाएंगे ओके फॉर द मील भी सही है ओके आर दीज चिल्ड्रन वेटिंग फॉर द फूड और वेटिंग फॉर द मील एग्जैक्टली चलिए क्या तुम किसी से बात कर रहे हो क्या तुम किसी से बात कर रहे हो आर टॉकिंग टू किसी से किसी सेनी वन ओके कोई से समवन ओके किसी से आर यू टॉकिंग टू एनी वन ओके okay. किस क्या तुम किसी से बात कर रहे हो लेट सीधा आंसर क्या है भाई इसका आर यू टॉकिंग टू एनी वन बिल्कुल सही क्या तुम किसी से बात कर रहे हो आर यू टॉकिंग टू एनी वन एग्जैक्टली बिल्कुल सही है क्या वह देखिए समवन एनी वन दोनों ही एक ही चीज है कोई से किसी से समवन मतलब अननोन है अननोन हाँ। है समवन मतलब किसी से वो भी एक ही चीज है तो एनी लगा दो समवन लगा दो, दोनों एक ही चीज है ओके okay? चलिए क्या वह छत पर पतंग उड़ा रही है क्या वह छत पर पतंग पर उड़ा रही है तो इज शी शी फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ इज शी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ बिल्कुल सही है इज शी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ बिल्कुल सही जवाब क्या वे लड़के कमरे में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं अध्ययन यानी स्टडी अध्ययन यानी स्टडी बिल्कुल सही अध्ययन मतलब स्टडी होता है क्या वे लड़के कमरे में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं बताइए आर, आर, आर दोस, दो नहीं है, दो नहीं है आर दे आर दे देखिए दे, 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 वे लड़के हैं वे लड़के है तो आपको यहाँ पे दे बॉयज तो होगा नहीं यहाँ पे क्या आएगा बताइए दोज बॉयज क्या हो जाएगा दोज बॉयज हाँ ठीक है समझ में पढ़ने के बाद आया और दोज बॉयज देखिए बैठकर बैठकर बैठ बैठ अध्ययन तो आया नहीं क्या वे लड़के कमरे में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं बताइए क्या होगा इसका आर दो इंदरूम चलिए देखिए क्या होगा इसका आर आर दोज बॉयज स्टडिंग सिटिंग इन द रूम स्टडिंग सिटिंग इन द रूम पढ़ रहे हैं मगर कैसे बैठ करके पढ़ रहे हैं मतलब कैसे बैठ करके तो लिख लीजिए इसको आर दोज बॉयज स्टडिंग सिटिंग इन द रूम आर दोज बॉयज स्टडिंग सिटिंग इन द रूम ओके यस बोलने में भले अच्छा नहीं लग रहा बट ऐसा ही होता है आर दोज बॉयज स्टडिंग मतलब पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं बैठ कर के तब भी बैठे भी हुए हैं तो मतलब वो भी कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूअस है स्टडींग सिटिंग इन द रूम ओके अगर खड़े होकर के पढ़ रहे हैं तो आर दो बॉयज स्टडिंग स्टैंडिंग इन द रूम स्टडिंग स्टैंडिंग इन द रूम खड़े होकर पढ़ रहे हैं बट सिटिंग इन द रूम जब बैठ के पढ़ रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या तुम्हारे पिताजी अब ऑफिस जा रहे हैं क्या तुम्हारे पिताजी अब ऑफिस जा रहे हैं इज योर फादर हम्म इज़ योर फादर गोइंग टू ऑफिस नाव लेट्स इज़ योर फादर गोइंग टू द ऑफिस नाव बिल्कुल सही देखिए ये जो नाउ है ये सब बाद में लगते हैं ना ये सब कहाँ लगते हैं बाद में ठीक ना यस नाउ टाइम के सेंसेशन को बता रहा है ठीक ना तो ये बाद में लगते हैं तो ये हो गया हमारा कौन सा इंट्रोगेटिव पूरा हो गया इंट्रोगेटिव पूरा हो गया हो गया ना इंट्रोगेटिव पूरा हाँ ये इंट्रोगेटिव ही तो था ठीक ना चलिए अब देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले कौन से वर्ड वाले एच फैमिली देखेंगे एच फैमिली, अभी तक आपने देखा था आया एम आया आया है ना एम आर से से होती थी अब होगी चलिए देखते हैं तो डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर फोर्टीन अब कक्षा में कौन पढ़ा रहा है अब कक्षा में कौन तो कौन से स्टार्ट होगा बताइए वो, वो? वो ज स्टीचिंग इन द क्लास नाउ लेट सी वू इज स्टीचिंग इन द क्लास नाउ बिल्कुल सही वेरी गुड बहुत सही जवाब वू इज टीचिंग इन द क्लास नाउ तुम इस अंधेरी रात में कहा जा रहे हो यस तुम इस अंधेरी रात में कहा जा रहे हो वेयर वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट यस सो वेयर आर यू गोइंग ऑन दिस नाइट वेयर आर यू गोइंग ऑन दिस नाइट ओके देखिए यहाँ पे अंधेरी बात सही है वैसे यहाँ पर आपको डार्क लगा सकते हो डार्क नाइट ओके वेयर आर यू गोइंग इन दिस हिंदी वाला सेंटेंस देखिए तुम इस अंधेरी रात में में, में, में कहाँ जा रहे हो ओके okay? तो यहाँ पे यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन है वेयर आर यू गोइंग यहाँ पर ऑन आएगा कि इन आएगा इन आएगा ओके वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट चलिए ओके गाइस तो हमने चेक कर लिया है इसका सही आंसर है वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट अंधेरी रात में तो यहाँ ऑन नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा इन आएगा ओके okay, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे क्या लगेगा इन लगेगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखते हैं अगला तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो यस yes. अब देखिए यहाँ पे लुक यहाँ पे लुक आएगा क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे देखने की बात हो रही है बहुत ज़्यादा गौर से देखा जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि लुक लगेगा यहाँ पे तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो तो कहाँ से स्टार्ट होगा क्यों यानी कि वाई मी इन दिस वे नहीं लगेगा यहाँ पे लाइक like दिस no. लगेगा ओके सो वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस ओके यस देखिए देखिए मैंने बताया था लाइक दिस इन दिस वे यहाँ पर नहीं लगेगा किसी को देखने में लाइक like दिस लगता है वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस ओके यस इस तरह से इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइक like दिस लगेगा ठीक ना न हाँ अगर किसी काम को करने की बात होती तो इन दिस वे इन दिस वे अगर कोई काम करना होता कोई काम के तरीके में मगर आप किसी को देख रहे हो बड़ा घूर करके बड़े अजीब तरीके से तो आप वहाँ पर लगाओगे लाइक like दिस ओके सो वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस तुम क्या कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो बताइए क्या होगा इसका तुम क्या कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो होगा? वट आर यू सेंग वट आर यू सेंग बिल्कुल सही तुम क्या कह रहे हो होगा? व्हाट आर यू सेग तुम क्या कह रहे हो का क्या होगा वट आर यू सेग चलिए नेक्स्ट देखिए यह बच्चा इतनी जोर से क्यों रो रहा है यह बच्चा इतनी जोर से जोर जोर से क्यों रो रहा है क्यों उसे स्टार्ट होगा वाई दिस चाइल्ड हाँ वाई इज दिस चाइल्ड है जोर जोर बताइए क्या होगा why? जोर जोर से चिल्लाना जोर जोर से रोना ओके चलिए देखते हैं ओके वाई इज दिस चाइल्ड वीपिंग सो लाउडली वीपिंग सो लाउडली जोर से वीपिंग मतलब रोकना नहीं वी वो वाइप होता है वाइप मतलब पोछना होता है ओके okay. बच्चे का रोना जो होता है बच्चे का रोना वो कहलाता है वीपिंग क्या कहलाता है वीपिंग जो मिन मिना के रोना होता है बच्चे कैसे रोते हैं मिन मिना के ओ वो होता है वीपिंग बच्चों का रोना वीपिंग होता है और जो बहुत गला फाड़ के रोना होता है उसको बोलते हैं क्राइंग चीख चीख करके रोना उसको क्या बोलते हैं क्राइंग तो वाई इज दिस चाइल्ड वीपिंग सो लाउडली वाई इज दिस चाइल्ड वीपिंग सो लाउडली चलिए लिख लीजिए वाई इज दिसल्ड वीपिंग सो लाउडली लड़कियां स्विमिंग पूल में क्यों तैर रही है सो so सिंपल लड़कियां वाई, वाई गर्ल्स अरे कहा गई वर्ब कहा गई भाई वाई गर्ल्स आर वाई गर्ल्स आर स्विमिंग हम्म देखिए वाई वाई आर अच्छा वाई आर गर्ल्स होगा सॉरी मैंने भी गलती कर दी वाई आर द गर्ल्स वाई आर द गर्ल्स पहले आर आता है ना इंट्रोगेटिव है वाई आर द गर्ल्स स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल बिल्कुल सही है वाई आर द गर्ल्स स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल ओके तो इसमें जीरो मार्क्स मिलेगा आपको वाई आर द गर्ल्स स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल चलिए नेक्स्ट देखिए तुम्हें अब कौन बुला रहा है तुम्हें अब कौन बुला रहा है यस तुम्हें अब कौन बुला रहा है यस, Hmm. बुला ना बुला। yes, आएगा ना कॉलिंग कॉलिंग नाउ ओके यस तो देखिए तुम्हें अब कौन बुला रहा है वो इज कॉलिंग यू नाउ वो इज कॉलिंग यू नाउ चलिए नेक्स्ट देखिए राहुल इस समय क्या कर रहा है राहुल इस समय क्या कर रहा है बताइए वॉट इज राहुल डूइंग इस Our समय दिस टाइम दिस टाइम यस देखिए व्हाट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम व्हाट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम क्योंकि टाइम की बात है तो एट लगाना मत भूलिए व्हाई व्हाट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम व्हाट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम तुम छत पर क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ ओके व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ ठीक है ना वट आर यू डूइंग ऑन द रूफ वह किसको बुला रहा है वह किसको बुला रहा है टू भूम या सीधे वूम वूम यानी किसको वूम हा वूम टू वूम टू भूम ही आपकी इज ही आएगा ना बेटा टू वूम इज ही कॉलिंग टू वूम इज ही कॉलिंग समझ गया ना देखिये मैं आपको बोलूंगा यहां पर टू मत लगाइए है ना किसको के लिए डायरेक्टली वूम लगाओ क्या लगाओ Whom, हाँ टू हुम का मतलब होता है जिसको, क्या होता है जिसको, जिसको मतलब टू whom लग जाएगा है ना ठीक है ना और whom का मतलब किसको तो सीधे यहाँ पे आएगा whom आएगा whom ही whom इज ही कॉलिंग whom इज ही कॉलिंग किसको बुला रहा है whom इज ही कॉलिंग whom इज़ ही कॉलिंग टू whom मतलब आइए सीधे whom लगाइए whom इज ही कॉलिंग ठीक है ना, क्लियर हो गया तो ये हमारा हो गया कौन सा

यस लेट सी गाइज आर यू नॉट गोइंग टू द ऑफिस टुडे बिल्कुल सही है आर यू नॉट गोइंग टू द ऑफिस टुडे तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो why? तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर why रहे हो वाई हाँ यस वाई आर यू नॉट वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखिए क्या ये लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही no. हैं क्या ये लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं तो क्या लगा है क्या से स्टार्ट हो रहा है मतलब आर से लगेगा आर दीज गर्ल्स यस आर दीज गर्ल्स नॉट गोइंग टू द स्कूल या गोइंग टू स्कूल बिल्कुल सही है ओके okay. नेक्स्ट क्या धोबी हमारे कपड़े नहीं धो रहा है क्या धोबी हमारे इज वॉशमैन हाँ not? हाँ वॉशिंग अवर क्लोथ्स इज वॉशर मैन नॉट वॉशिंग अवर क्लोथ बिल्कुल सही इज द वॉशर मैन नॉट वॉशिंग अवर क्लोथ इज द वॉशर मैन नॉट वॉशिंग अवर क्लोथ्स चलिए तुम आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो तुम आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो कमिंग कमिंग ओके वाई आर यू नॉट ओके देखते हैं क्या कहा आपने वाई आर यू नॉट कमिंग टू आवर होम नाव अ डेज क्या बात है बिल्कुल सही निकला एक एक लाइन सही निकली आपकी वाई आर यू नॉट कमिंग टू आवर होम नाव अ डेज ओके अच्छा आने को एक चीज आप विजिटिंग भी बोल सकते हो यहाँ पे क्या कह सकते हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है है ना सिंपली घूमने को विजिटिंग भी बोल सकते हैं वाई आर यू नॉट विजिटिंग टू आवर होम नाव अडेज जैसे हम लोग बोलते हैं भाई आइए कभी विजिट करने आइए विजिट मतलब जस्ट नॉर्मली घूमना ठीक ना हाँ तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या इस जंगल में हमें कोई नहीं देख रहा है क्या इस जंगल में हमें कोई नहीं देख रहा है यस इज yes, इज एनी वन नहीं होगा कोई नहीं नहीं इस कोई नहीं हमें नहीं कोई देख रहा है इस जंगल में हमें नहीं कोई ये मेरे को लग रहा थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे कोई नहीं आएगा है ना यहाँ पे आएगा क्या कोई नहीं क्योंकि नहीं कोई तो सेंटेंस होता ही नहीं है क्या इस जंगल में हमें कोई नहीं देख रहा है बताइए इज नो बडी इज अरे कैसी बात कर दी आपने इज नो इज ये क्या हो गया टू लुकिंग अस गॉड ये क्या होता है देखिए इज नो वन लुकिंग एट अस लुकिंग एट लुक के साथ एट आता है, है ना हाँ लुक लुक एट मी लुक एट यू ओके यस इज नो बडी लुकिंग एट अस इन दिस फॉरेस्ट हमें हमारे ऊपर के लिए क्या लगता है अस लगता है क्या लगता है

क्या जंगल में मोर नहीं नाच रहा है क्या जंगल में मोर नहीं नाच रहा है बताइए क्या होगा इज हां इज पिकॉक नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट बिल्कुल सही इज द पिकॉक नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट बिल्कुल सही है बाबा इज द पिकॉक नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लड़कियां किताब नहीं पढ़ रही हैं क्या लड़कियां किताब नहीं पढ़ रही हैं आर द गर्ल्स नॉट रीडिंग द बुक आर द गर्ल्स नॉट रीडिंग द बुक एग्जैक्टली आर द गर्ल्स नॉट रीडिंग द बुक बिल्कुल सही आर द गर्ल्स नॉट रीडिंग द बुक क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है देखिए पुलिस इज पुलिस मैन ओके क्या पुलिस तो पुलिस सिंगुलर है कि प्लुरल है यहां पे क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है प्लूरारे, प्लूरारे। हाँ बताइए क्या होगा इस पुलिस इस गलत इज पुलिस नॉट कैचिंग चलिए देखते हैं क्या होगा यहां पे देखिए हाँ देखिए इज द पुलिस इज द पुलिस नॉट कैचिंग द थीफ ओके इज द बिल्कुल सही तो इज द पुलिस नॉट कैचिंग द थीव तो अब देखिए यहां पे एक चीज समझिएगा पुलिस को सिंगुलर माना जाता है क्या माना जाता है पुलिस को नहीं, पुलिस, को माना जाता पुलिस नहीं। मगर पुलिस के साथ यहां पे इज लगा हुआ है देखिए है ना अब पुलिस के अंदर होते तो बहुत लोग हैं बट पुलिस एज अ कंपनी यहां पे सिंगुलर माना गया ये चीज थोड़ी सी याद रखने वाली होती है पुलिस के साथ नहीं तो आप सोच रहे थे आर लगाना पड़ेगा बोलो पुलिस में एक आदमी तो होंगे नहीं कई सारे होंगे ना तो इज द पुलिस इज द पुलिस तो पुलिस के साथ हमें क्या लगेगा इज लगेगा है ना तो पुलिस जो होती है सिंगुलर सेंसेशन देती है क्या देती है yes, सिंगुलर सेंसेशन यस और नो हाँ जैसे कि मैं बोलता हूं इंडियन आर्मी इज इंडियन आर्मी इज बिगेस्ट आर्मी बोले यस और नो इज बेस्ट आर्मी तो इंडियन आर्मी में तो बहुत बड़ी सेना होती है बोलो हाँ बट उसके बाद क्या लगा हुआ है इज क्या लगा हुआ है इज तो ऐसे ही पुलिस के साथ पुलिस के साथ आर्मी के साथ समझ में आ गया ना है ना कंपनी के साथ ये क्या होता है सिंगुलर देता है क्या देता है ये सिंगुलर hmm. सेंसेशन होती है होते हैं बहुत सारे इसके अंदर लोग बट ये सिंगुलर चलता है तो क्या आएगा बोलो आर द पुलिस आएगा कि इज द पुलिस है हाँ तो इज द पुलिस नॉट कैचिंग द थीफ समझ के ना तो यही सब सीखने की चीजें होती हैं हमको लगता है कि आर आएगा बट क्या था? आता है इज आता है सो गाइज ये थी हमारी क्लास आज की यहाँ पी है ना हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है कौन सा कंटिन्यूस वाला पार्ट कौन सा वाला पार्ट <laughs> कंटिन्यूस वाला पार्ट तो हमने इंडेफिनेट कर लिया है कंटिन्यूअस कर लिया है ओके और कल हम करेंगे परफेक्ट क्या करेंगे परफेक्ट करेंगे तो कल हम परफेक्ट करेंगे आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा ये सेशन लगा होगा तो बच्चों कल युवराज बैच में परफेक्ट